जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर आप सभी के प्यार से ही फिर एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हर दिन जो है आप सभी के लिए एक नई से नई वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे लाने की कोशिश रहती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आप बताइए कि बालाजी से दूत कैसे मांगे, कैसे जो है हमें बालाजी के दूत प्राप्त होंगे और आपको किस विधि से जो है प्राप्त हो सकते हैं, मांगना कैसे है। तो अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में गुरु जी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जो जैसी भक्ति करता है मरण उपरांत वैसे ही भक्ति में प्राप्त होता है। जो जिसकी आराधना करता है उसकी कृपा उसके साथ जीवन भर चलती है, जीवन के साथ भी और मृत्यु के बाद भी। तो ऐसा क्या है कि बालाजी के दूत, मान लीजिए जो भक्त ने हनुमान जी की पूजा अर्चना ध्यान किया है अपने जीवन काल के अंदर, पूरे वक्त वो बाबा की भक्ति करता रहा है, हनुमान की भक्ति करता रहा है और मेहंदीपुर बालाजी की भक्ति करता रहा है, मरण उपरांत ही वह शक्ति रूपेण बन जाता है। कौन सी शक्ति? जो कि परमात्मा की शक्ति होती है, जो कि परमात्मा की कृपा होती है। इसी प्रकार से उन्हीं को ही दूत की श्रेणी कहा जाता है। तो दूत की श्रेणी में ऐसा होता है कि जो जिनकी पोजीशन बनती रहती है, धीरे 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 अपने आप ही जो धर्म के प्रति कार्य करते हैं, बाबा के प्रति कार्य करते हैं। देखिए, बाबा एक है लेकिन उनके दूत अनेक हैं। हर घर में दूत हैं, हर घर के अंदर जो है बाबा की कृपा है, वो उन्हीं की कृपा के माध्यम से ही सारा कार्य हो रहा है। अब रह जाती है कि दूत हमें क्या करना है, हमें दूत हम कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र करता है, कोई काली विद्या करता है, ये कोई ऐसी गंदी शक्ति आपके घर में छोड़ने की प्रयास करता है, तो बाबा की शरण में जाकर दूत की प्रार्थना कैसे की जाती है? तो यहाँ पे मेरा एक और सवाल है, क्या कोई आम व्यक्ति है, कोई साधारण व्यक्ति है, क्या उसको भी दूत मिल सकते हैं? दूत तो ऐसा होता है जो सरल होता है, व्यक्ति जो भगवान के प्रति पूजा आराधना करता है और उनके अलावा कुछ और नहीं सोचता। दूत महाराज से कार्य करने के लिए भी कुछ और नहीं चाहता, सिर्फ अपने परिवार की रक्षा के लिए ही चाहता है कि मेरे परिवार की रक्षा हो। जैसे किसी को पूजा विधि की पद्धति का ज्ञान नहीं है, जैसे कोई व्यक्ति ऐसे होते, कई व्यक्ति ऐसे होते जिनको ज्ञान नहीं होता कि पूजा कैसे की जाती है, किस प्रकार से पूजा कर सकते हो, क्या पूजा के नियम होते हैं, अगर इन चीज़ों का नहीं पता होता है तो दूत महाराज की कृपा से, दूत महाराज की कृपा से ये आपको अपने आप ही सीखने को मिल सिखा जाता देते है। हैं। क्योंकि जो शरीर पर तरंगे आती हैं, जो दूत महाराज आपके शरीर पर आते हैं, वो आपको भक्ति की राह में अपने आप लगा देते हैं, और कुछ आपका मन तो होता है और कुछ भक्ति की राह में रहते हैं। सरल व्यक्ति को दूत की शक्ति प्राप्त होती है, जो सरल होती है। अब ये कैसे प्राप्त हो सकते हैं, आपको कैसे मिल सकते हैं, मन में संदेह तो रहता है, ये भी रहेगा कि कैसे हमें ये शक्ति प्राप्त हो। इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा कार्य नहीं करना होता, बस नित्य नियम अपना बनाना शुरू कर दीजिए। रोज आप राम जी के नाम की 2 माला, 3 माला, 4 माला डेली जो है आप हनुमान जी के नाम की माला का जाप कीजिए। और जाप करने उपरांत जब आप जाप करते हो, बाबा के नाम का जाप करते हो, बाबा की कृपा आपके साथ आने लगती है, अब उस दौरान आपको क्या कार्य करना है ये ज़्यादा जरूरी है। आपको जैसे कि हनुमान जन्मोत्सव है, आगे जो भी हम मंगलवार का दिन है या कभी पूर्णिमा का दिन है, तो उस दिन जब माला का मंत्र का जाप करते हो, जैसे कि आप ओम सीताराम का माला जाप करते हो या ओम श्री राम दुताय नमा मंत्र का जाप करते हो, हनुमान जी के कोई दिव्य मंत्र का जाप करते हो, रुद्र मंत्र का जाप करते हो, तो आपको एक चौमुखा दीप रुई की बाती का खुद तैयार करना है। रुई की बाती का चौमुखा दीप तैयार करना है और उस दीप के अंदर आपने थोड़े से अक्षत डालने हैं, चावल अपने ऊपर से वार कर और मेहंदीपुर बालाजी में चौमुखा दीप का दान देना है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, या फिर आपने गाय के देसी घी का होना चाहिए, या फिर आपने किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर या सिंदूरी स्वरूप के सामने आपने ऐसा ही दीप का दान देना है। 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा या 2.25 मीटर हो और एक जो है बजना नारियल, वो लेकर अपने ऊपर से वार कर, पूरे परिवार के ऊपर से वार कर हनुमान जी के कितनी बार चरणों, वारना? 7 बार चरणों में अर्पण करना है और बाबा से यह प्रार्थना करनी है कि हे बाबा, मुझे नहीं पता कि दूत महाराज की शक्ति कैसी होती है, ना मुझे उनकी शक्ति को चलाना आता,
ना मुझे पता कि वो शक्ति किस प्रकार से काम करेगी, कैसे वो शक्ति मेरे शरीर पर रहकर कार्य कर सकती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी भक्ति से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो कभी किसी और से की भक्ति से नहीं प्राप्त हुआ, और आपसे मेरी लगन लग चुकी है। मैं अपने परिवार की रक्षा मांग रहा हूँ बस आपसे। चाहे आप मुझे दूत महाराज के रूप में रक्षा दीजिए, या वीरों के रूप में रक्षा दीजिए, या मेरे घर की रक्षा आप स्वयं आकर कीजिए। तो आप अगर आपको कोई मांगने का ढंग नहीं पता तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया है ऐसे ही आप मांगिए। तो मेरा यहाँ पे एक और सवाल है कि अगर हमें दूत महाराज जी मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें क्या नियम जो है अपने जीवन में अपनाने चाहिए? नियम ऐसा होता है कि देखिए, एक नित्य नियम आपको पूजा का बनाना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। पूजा, जैसे कि आप सुबह के समय पूजा करते हो तो शक्ति अगर आपके शरीर पर आती है आपको महसूस भी होगी, आपके शरीर में तरंगे आएंगी, आपके रोंगटे खड़े होंगे। आपको जब हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपका खिंचाव आएगा, बाबा के प्रति लगाव, लगन लगने की रोने का मन कोशिश करे। होगी। तो इस प्रकार के खिंचाव मूवमेंट बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है। 41 डेज लगती है किसी शक्ति को अपने शरीर में धारण करने के लिए। 41 डेज के अंदर जब आपको खुद अनुभव ऐसा होने लग जाएगा लगातार कि आपके शरीर में वाकई में तरंगे आ रही है। तो कौन से नियम जो है एक साधारण व्यक्ति को नियम अपने ऐसा अपनाने होता चाहिए? है, एक तो ब्रह्मचारी है, जिस दिन आप बुलाओगे ब्रह्मचारी का पालन करना होता है। जैसे कि आप मंगलवार का दिन ले लीजिए या शनिवार का दिन ले लीजिए, एक दिन ब्रह्मचारी का रखिए। उस दौरान आप खाने पीने का क्या शक्तियों का रखना? कभी भी दुरुपयोग नहीं करोगे, या फिर किसी के पूछे के लिए अगर शक्ति को चलाना चाहते हो तो पहले अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से आपने क्या करना है, बल देना है। पूर्ण रूप से शक्ति को, शक्ति जो है, शक्तिशाली क्योंकि बनाना। आपकी बॉडी के अंदर बल तो उनके पास होता है, लेकिन आपकी बॉडी से जो तपस्या से बल प्राप्त होता है वो एक अलग अनुभव होता है। उससे उससे आपका शक्ति के साथ संपर्क साधना आपको आ जाता है। मैंने कल परसों भी एक वीडियो बनाई थी, क्या शक्तियों से आप वार्तालाप कर सकते हो, वो वीडियो जरूर देख लेना, मेरी कल की वीडियो ही है। तो उस दौरान क्या होता है कि जब आप शक्ति से अपना वार्तालाप करने लग जाते हो या कुछ भी आप समझ लगते हो, तब उसके बाद आप किसी का भी पूछा देख सकते हो, किसी के बारे में बता सकते हो, किसी के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उसके घर में क्या दिक्कत है, क्या समस्या, और क्या, और अपने शक्तियों के द्वारा, जो बाबा की कृपा के द्वारा, उनके उपाय भी आप बता सकते हो उस दौरान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है, कुछ ऐसे विशेष नियम होते हैं। सात्विक आहार का पालन आपको जरूर करना चाहिए। अगर कोई बीड़ी, सिगरेट, धुआं, धूम्रपान इसी का ऐब है तो उसका परित्याग कर दीजिए। कोई गुटखा वगैरह कुछ भी अगर आप खाते हो, इस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि शरीर पर जैसी आप कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति आ रही है और आप उस शक्ति के तहत कुछ गलत प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हो, या कुछ भोजन ऐसा कर गलत रहे हो, खा रहे हैं। भोजन गलत खा रहे हो, या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो, तो उस शक्ति का प्रभाव भी आपके ऊपर दुष्प्रभाव के रूप में बनने लगता है। क्योंकि वो आपके शरीर पर अगर आई है, अब मांगने की कला जो ये होती है कि आपको मांगना किस प्रकार से होता है कि हे बाबा, मैं मंत्र का ज्ञान नहीं जानता हूँ, मैं तंत्र का ज्ञान नहीं जानता हूँ, मैं दूत महाराज को कैसे प्राप्त करते हैं ये भी मुझे नहीं पता, बस मैंने ये जो दीप का दान दिया है इस दीप से आप प्रसन्न हो जाइए, और इस दीप से प्रसन्न होने के बाद मुझे शक्तिशाली दूत प्राप्त की आवश्यकता है मेरे परिवार की रक्षा के लिए, हे बाबा मुझे कृपा प्रदान दीजिए। तो एक सवाल जो मेरे मन में कई दिनों से था, जैसे लोगों ने पूछा है कि भाई हमारे शरीर पे जो आती है प्रेतात्मा, वो जब शुद्ध हो जाती है तो हमें हनुमान जी की तरफ से, बालाजी की तरफ से दूत भी प्राप्त होते हैं, तो क्या वो दूत जो है हमारे साथ परमानेंट रहते हाँ, हैं? अब वो आपके ऊपर संभव होता है कि आप उन्हें परमानेंट अपने घर में रख सकते हो नहीं, नियमों के नहीं अनुसार तो शक्ति आपको छोड़ के चली जाती है। अब इस दौरान आपको 41 डेज के अंदर शक्ति जरूर आपके पास आएगी। अगर आप इस प्रकार के नियम करोगे तो शक्ति आपके पास है। तो ये ये बेहतरीन आपके उपाय, ऊपर डिपेंड है कि आप उस शक्ति को कितना पचा सकते हो, ये ये आपके ऊपर सबसे है। बेहतरीन और सबसे बढ़िया जो आपके मन में कई दिनों से और बहुत सारे लोगों ने हमारे पास कमेंट करके पूछते थे, वो सभी के लिए आज डाउट जो है क्लियर हो गए। चलिए, जय माता की। जय श्री राम, जय श्री।